राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दशा माता की पूजा विधि शेयर करूंगी। ये व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और नॉर्मली इस व्रत को महिलाएं अपने घर की स्थिति में सुधार लाने के लिए करती हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप पूजा करें उस जगह को साफ़ कर लें और चौकी या पटा बिछा लें और इस तरह से लाल कपड़ा बिछा लें। फिर ये मैंने 10 पीपल के पत्ते लिए हैं, इनमें स्वास्तिक बना रही हूँ मैं हल्दी से। फिर इसी में इन्हीं पीपलों के ऊपर हम 10 गेहूं की छोटी छोटी ढेरियां लगाएंगे दशा माता के नाम की। आप एक सफ़ेद कागज़ पर गणेश जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए एक स्वास्तिक बना लें और दशा माता के नाम की रोली, मेहंदी, काजल की 10-10 टिक्कियाँ रख लें। आप चाहें तो इस कागज़ को दीवार पर चिपका सकते हैं या फिर किसी कार्डबोर्ड में चिपकाकर आप दीवार के सहारे टिकाकर इसका पूजन कर सकते हैं। फिर सभी को गंगा जल का छींटा देने के बाद हम इस तरह से फिर दीपक को भी विराजित कर लेंगे। चावलों का आसन देकर मैं दीपक को विराजित कर रही हूँ और फिर इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद अपनी पूजा शुरू करेंगे हम। इसके बाद गणपति जी का, दशा माता का सभी काम, हल्दी, रोली, अक्षत से टीका कर लेंगे। दशा माता के व्रत पूजन में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन आप पूजन का जो भी सामान है आप अपने पैसे से खरीदें और किसी वजह से आपको पूजा का सामान किसी से लेना पड़ रहा है तो तुरंत इसके पैसे आप उसको बदले में दे दें। इस दिन ना किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। बहुत सी जगहों पर झाड़ू खरीदकर आज के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है और ये पूजन होता ही आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए है। दशा माता के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और भोजन भी एक ही अन्न का और एक ही समय ग्रहण किया जाता है। विशेष रूप से इस व्रत में गेहूं के अन्न का ही भोजन किया जाता है। फिर ये देखिए, इस तरह से हम दशा माता को कुछ सुहाग का सामान अर्पण कर देंगे। आप सुहाग के सामान में मेहंदी, काजल, रोली, ये 3 चीज़ें ज़रूर रखें। फिर आपकी इच्छा है आप 5, 7, 11, 9 इस संख्या में सुहाग का सामान अर्पित करें। अगर आप पहली बार व्रत करने वाले हैं दशा माता का तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दशा माता के व्रत का उद्यापन नहीं होता है, आजीवन इस व्रत को किया जाता है। हाँ, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है इस व्रत को करने के लिए तो आप अपनी बेटी, बहू, इनको दे सकते हैं इस व्रत को। फिर इसके बाद कुछ फूल, सुपारी और भोग सामग्री हम अर्पित कर देंगे। भोग में मैंने 10 मीठे गुलगुले लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर गेहूँ के आटे का 10 चम्मच हलवा और 10 पूड़ियों का भी भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद दशा माता के डोरे को भी हम पूजा में रख लेंगे। दशा माता का डोरा किस तरह से बनाना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद अब हम दशा माता की कथा पढ़ लेंगे। इस तरह से हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर हम ये कथा पढ़ेंगे। पूजा के बाद आप बायना ज़रूर निकालें अपनी सासू माँ के लिए या आपके घर में जो भी महिला बड़ी है उनके लिए आप बायना ज़रूर निकालें। और बायने में आप पूड़ी, हलवा या गुलगुले जो भी दे रहे हैं उसमें 10 सिक्के ज़रूर रख लें। इस तरह से पूजन के बाद बहुत सी जगह पर महिलाएं अपने घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे भी लगाती हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, हम दशा माता की आरती उतार लेंगे। वैसे तो जो दशा माता का डोरा होता है वो पूरी साल पहना जाता है, लेकिन अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन आप इसे खोल कर रख सकते हैं। कई जगह पर उसी रात को डोरा खोल दिया जाता है और कई कई जगह पर 5 दिन में इस डोरे को खोल दिया जाता है। अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाकर इस पूजन को कर रहे हैं तो अपने पुराने डोरे को वहीं पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और अगर नहीं घर पर कर रहे हैं आप इस पूजन को तो डोरा अच्छे दिन उतार कर रख लें और शनिवार के दिन पीपल की जड़ में इसे दबा दें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।